श्री गुरु रविदास महाराज का ज्योति ज्योत दिवस 15 जून से 20 जून तक चक हकीम श्री गुरु रविदास मंदिर ऐतिहासिक देहरा फगवाड़ा में मनाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए युवा बीजेपी के नेता आशुतोष सापला ने कहा कि 15 जून से शुरू हुए इस समारोह में हर दिन अलग अलग धार्मिक समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके बाद 20 जून को श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया जाएगा। उन्होंने सभी भक्तों से इस समारोह में भाग लेने और गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद लेने की अपील की है। पहले दिन 15 नूं प्रभात फेरी और निशान साहब की रसम हुई सी। कल 16 तरीक नूं जो 124वां सालाना मेला जो इत्थे चलदा है उहदी आयोजन किया गया। अज उहदे उपलक्ष दे विच सुंदरकांड और गऊ कथा का आयोजन किया जा रहा है। उस उपलक्ष दे विच कल शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी रविनंदन जी शास्त्री जी आ रहे हैं जो अपना प्रवचन करनगे। 19 तरीक नूं राम तीरथ तो श्री वाल्मीकि महाराज जी के जो अनुयायी ने धूणा साहब तो बाबा जी वो आ रहे हैं इतने आके प्रवचन करेंगे। और आखिरी दिन 20 तरीक न सवेरे सुखमनी साहब का पाठ के नाल इस प्रोग्राम की जो अखीरले दिन और शाम को श्री गुरु महाराज कबीर महाराज जी के जो उन्होंने प्रवचन के तौर पर इतने आयोजन किया जा रहा है। सो मेरी जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये सारी जिनी शलाघा की जाए महंत पुरशोत्तम लाल जी की जो जात पात तो उपर उठ के समाजिक समरसता अगे लैके आते हुए उन्होंने जो समाज में जोड़न का काम किया है मैं बहुत बहुत बधाई देना हाँ महंत पुरशोत्तम लाल जी जो गद्दी नशीन ने इस डेरे के और उन्होंने बहुत ही शलाघायोग काम किया है। और मैं सारी समूह संगत में बेनती करता हाँ कि जो समाजिक समरसता का है आह्वान महंत पुरशोत्तम लाल जी की अगुवाई के हो रहा है सारे इतने जिन्हें भी कार्यक्रम रह गए हैं उन्होंने होम होम आके पहुँचन अपनी शमूलीयत करन और जो श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरण छोह धरती प्राप्त धरती है उत्थे आके अपना आशीर्वाद लैन। सारियां नूं एक बार फिर बेनती करता कि इत्थे जरूर पहुँच के मंदिर के महाराज तो आशीर्वाद लैन। बहुत बहुत धन्यवाद।